पर आना, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तुम मुझसे एक वादा करो। तुम कहो तो सही। अगर मैं वैसा साबित ना हुआ जैसा तुम मुझे समझती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। पुराना, ये दुनिया अजीबोगरीब इंसानों से भरी पड़ी है। मैं अब भी नहीं समझी। तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद शायद नहीं। पुराना, बाज़ुकात वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता। तुम मुझे कुछ परेशान लगते हो। हाँ शायद। बात क्या? कुछ नहीं। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि कभी कभी हम वैसा करने पर मजबूर हो जाते हैं जैसा हम करना नहीं चाहते। तुम वाकई बहुत परेशान हो। क्या क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर मैं कहूँ नहीं तो तुम क्या करोगी? वेरी सिंपल, एक गोली खुद को मार दूंगी और एक तुम्हें। कम ऑन, मैं तो मजाक में ऐसे ही एक बात पूछ रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। तुम अपने लिए मेरी चाहत से वाकिफ नहीं हो सिकंदर। आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। चल। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ नहीं चलते? वो ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। जाहिर है, हम पार्क में वॉक कर रहे हैं, कोई ना कोई तो हमें देख ही रहा होगा। तुम्हें नहीं पता, अगर तरीन साहब ने देख लिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो तुम्हारे असाब पर क्यों सवार हो गया? और अगर उसने देख भी लिया ना तो कहना ये मेरी कजन है। पर तुम तो मेरी कजन नहीं हो। अच्छा तो मैं क्या हूँ तुम्हारी? पता नहीं, तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तुम वाकई ऐसे दिखाई ऐसे देते हो। कैसा दिखाई देता हूँ? बुद्धू। देखो तुम मुझे बुद्धू हो तो मत को, मैं तो तुम्हें इस पार्क में सैर कराने लाया हूँ। बड़ी मेहरबानी है जी आप, लेकिन ये कैसी सैर है? चलते चलते मेरी टांगे जवाब दे गई हैं। अभी कहाँ, अभी तो हमने जाना है कैपिटल पार्क जॉगिंग करने। तुम्हें पता है मैं रोज 10 किलोमीटर भागता हूँ, तुम भी आज जॉगिंग करना, बड़ा मजा आता है। मेरा दिमाग खराब है? दिमाग खराब है पता नहीं। नहीं देखो, तुम नाराज क्यों हो रही हो? फिर क्या और क्या करें? चल अभी बैठते हैं। कहाँ? किस बेंच पर? नहीं बुद्धू, किसी रेस्टोरेंट में। नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं जाना। वो ना अब्बा मियां कहा करते थे कि रेस्टोरेंट में बैठ के ना वक्त नहीं जाया करना चाहिए, बहुत बुरी आदत होती है। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ कहाँ चले। ऐसा करते हैं कि जॉगिंग करने चलते हैं, कैसा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया, वेरी रोमांटिक। अच्छा, मुझे पता था तुम्हें ये आइडिया बहुत पसंद आएगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी। जी मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं घर जाके ना मिठाइयां बांटू। स्टूपिड टैक्सी। बात तो सुनो। ट्रेन तो गुजर गई। अब मेरा ख्याल है ड्राइवर भूल गया जी, आगे रुकेगी। आगे तो जेल है मैं और पिंडी, इस तरह हमने जाना है पिंडी। कहीं ना कहीं रुकेगी। अब डॉक्टर मेरी गवर्नर बात हो, ये इसको दे। तुमको पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है? खाने को पकड़ो तुम। वाह, नई नई कुर्सी, नया नया औदा, नई नई शादी, क्या बात है।
ये तेरे चेहरे पे लंच टाइम क्यों हो रहा है? 12 क्यों बज रहे हैं? इब्रार, हाँ यार मैं बहुत सख्त, अब मुझे पता है तू बहुत सख्त परेशान है, तेरी परेशानियां कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन तू मुझे बता कि मसला क्या है, क्या नई कुर्सी की कीलें चुभ रही हैं? इब्रार फॉर गॉड सेक यार कभी तो मेरी बात संजीदगी से सुन लिया करो, संजीदगी से सुन लिया करो भाई। नई नई शादी हुई है, नया नया ओहदा मिला है माशाल्लाह, मतलब परेशानी की बजाय कोई वजह नहीं है, लेकिन अब तू कह रहा है तो बता दे मैं सुन लेता हूँ। खता है, कोई नामा उल्फत आया होगा, यकीनन किसी ने कहा होगा कि हमारी दुख्तरे नेक अख्तर को आप अपने शर्फे निकाह बख्श दें, है ना? इब्रार माँ का खत आया है, मेरे ससुर चौधरी अजमत अभी तक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके होंगे। अच्छा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, बड़े मियाँ आएंगे उन्हें 2-3 दिन मरी घुमाएंगे उसके वापस रवाना कर देंगे। मसले की बात यह है कि माँ ने उन्हें ऑफिस का एड्रेस दिया और वो सीधे यहीं आएंगे। अच्छा तो तूने क्या सोचा फिर? यार यही तो समझ में नहीं आ रहा यार, एक शादी करके इंसान इतनी परेशानियों में गिर जाता है, तूने माशाल्लाह 2-2 कर लिए, तेरे सोचने के दिन नहीं रहे अब। इब्रार मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूं, अगर तुमने मजाक ना छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हो सके हैं तुम्हारे और मेरे, एंड माइंड इट नाउ आई एम योर बॉस। अच्छा नहीं नहीं, खड़े होकर बात करो। वो मैं तो कह रहा था कि मैं तो हमेशा तेरी मदद करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? वो ना मैं तुझसे जिस बंदे की सिफारिश करूंगा ना कि उसकी तरक्की करनी है तो तुझे करनी पड़ेगी, उसकी सिफारिश करनी पड़ेगी तुझे अपना ओहदा यूज करके। मैं ये क्या बात हुई? हाँ ना, तो यही तो बात है, और एक और मसला भी है। क्या? वो मुझे ना 2000 रुपए की सख्त जरूरत है, 3 बाद में ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, तू फिक्र ना करे। आप क्या करेंगे इतने पैसों का? वो मुझे पता है, तू मुझ पर छोड़ दे, पैसे दे ना। जी मैं इब्रार हूँ, शम साहब हैं घर पे? घर पर ही है, वो मनोज कहाँ जाएगा, हर वक्त मेरे सर पे सवार रहता है। उन्हें कहिएगा कि दफ्तर से शेख इब्रार साहब आए। अच्छा अच्छा भिजवाती हूँ। अरे तभी तो अपनी दवा अंदर रख लिया कर, हर वक्त बोलती रहती, आए गए तुम नहीं देखती। अरे इब्रार साहब, सुबह से मेरी उल्टी आंख फड़क रही थी, ये कब हुआ? क्या कब हुआ? बड़े साहब, बड़ा अफसोस हुआ जी। बड़े साहब? क्या हुआ बड़े साहब को? हाँ वो चले गए थे। हाँ जी, सबको एक दिन इसी तरह चले जाना। आप जरा ठहरे, मैं अंदर से सफेद टोपी ओढ़ लूं, ऐसे मौकों पे नंगे सिर रहना ठीक नहीं होता। ओ, क्या बकवास कर रहे हो, क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या है तुम्हारा? इब्रार साहब बात दरअसल ये है, देखिए ना आप बेवक्त आए हैं और बड़े साहब दिल के मरीज हैं, मैं समझा चटपट हो गए होंगे, और फिर आप ही तो कह रहे थे कि वो चले गए। वो दफ्तर से घर चले गए थे जब मैं यहाँ आ रहा था। अच्छा वो शमसू, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा हाँ। तो फिर बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना, आ जाए। चलो आ जाए, चलिए चलिए। नहीं इब्रार साहब, वहां नहीं। यहाँ क्या? यहाँ कुर्सी के नीचे मुर्गी अंडों पर बैठी है, आप इधर बैठ जाए। हरे शमसू, मेरी सुन, कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, बच्चों ने शायद अदवान निकाल ली, चोट लगी तो नहीं? लगी तो है, पर सिर्फ डॉक्टर को बता सकता हूँ। अच्छा तुम इन तकलीफों को छोड़ो, बस खड़े खड़े बात कर लेते हैं। ये 2000 है, बाकी 3000 काम होने के बाद दूंगा। इब्रार साहब क्या काम है? वैसे मैं आपको बहुत शरीफ आदमी समझता हूँ। देखो काम बहुत मामूली है और मैं यकीनन बहुत शरीफ आदमी हूँ, वो बस तुम्हें एक शख्स को दफ्तर में दाखिल होने से रोकना है। कौन है वो शख्स? वो अपने सिकंदर साहब है ना, उनका कोई रिश्तेदार है, गांव से आया है, वो उससे नहीं मिलना चाहते।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारे अफसर अपने रिश्तेदारों को दफ्तरों में मिलना पसंद नहीं करते, यही बात है ना? और ये बात नहीं है, वो आदमी वाकई में पागल है। बस खिसका भाई, तुम्हें किसी भी तरह उसे दफ्तर में दाखिल नहीं होने देना। मगर अब्राहम साहब, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? और लंबी लंबी मूंछें हैं उसकी, देहातियों वाला उसका हुलिया होगा। बस किसी भी तरह उसे दफ्तर में दाखिल नहीं होना चाहिए। अरे अब्रार साहब, 5,000 रुपए मिलने के बाद आप ऑर्डर करोगे ना, तो मैं तरीन साहब को भी दफ्तर में दाखिल नहीं होने दूंगा। क्या सोचते रहते हो आजकल? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है। तुम बात करते करते कहीं खो से जाते हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, तुमसे क्या छुपाना है मैंने? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब कुछ कितनी जल्दी हो गया है ना। क्या जल्दी हो गया? यही हमारा मिलना, शादी है ना? हाँ, ये तो है। तो फिर चले कहाँ? मरी और कहाँ? मरी जाना जरूरी है। हाँ, मैंने सारी दुनिया घूमी, बस मरी रह गया। और फिर मौका भी तो है। यू मीन हनीमून? ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर कब? मुझे एक हफ्ता और दे दो। वो शिपमेंट शिपमेंट इनवाइसिंग टेंडर सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, लेकिन ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम तो बात बात पर नाराज हो जाती हो। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, मैं नेक्स्ट वीक की बुकिंग करवा लेता हूँ। खुश? लेकिन आज क्यों नहीं? वो एक छोटा सा मसला है बस, एक दो दिन में हल हो जाएगा। लेकिन आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, राइट? राइट, वादा। यस, एंटर। सर, आपने मुझे बुलाया था। पियो ने तुम्हें जाके क्या कहा था? आपने याद किए? तो फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत है? क्या हम ज्यादा बोलने वाले मुआशरे में नहीं रहते? जी सर। क्या जी सर? आप ठीक कह रहे हैं सर। आप ठीक कह रहे हैं सर। सर, हम मुझे बुला दिया, पता नहीं तुम्हें क्या कह रहा था मैंने। वो हाँ, याद आया, मैं एक हफ्ते के लिए कराची जा रहा हूँ। तो वैसे करना कि वो कंसाइनमेंट जो है उसको रिसीव कर लेना। यस सर, मैं रिसीव कर लूंगा। और कुछ सर? इब्रान सर, ये मैंने एक चीज नोट की है, बड़े गौर से मैंने देखा है कि जब भी मैं शहर से बाहर जाने का जिक्र करता हूं या मैं जाता हूं, तुम बहुत खुश नजर आते हो। क्या बात है? नहीं सर, मैं तो बल्कि उदास हो जाता हूँ सर। उदास हो जाते हो? जी। क्यों? वो सर, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना सर, हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर देते हैं, इस वजह से सर। Is there something funny about me? मैं क्या कोई जोकर हूं या मैं कोई क्लाउन हूं? सॉरी सर, मुंह से ऐसी बात निकल गई। आपकी तो सर क्या पर्सनैलिटी है सर, आपकी रूपदार किस्म की सर। यहां से जो चिड़िया गुजरती है ना इस ऑफिस की छत के ऊपर से, वो भी सहम के गुजरती है। दूसरे लफ्जों में तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जला दूं? जी सर। क्या? नो सर। सर मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। चुनो सर, ये नॉट कौन सी बांधी तुमने? सर ये डबल नॉट है सर, इसको सिंगल करो। जी सर। थैंक यू सर।
बड़ा शौक था तुझे इस्लामाबाद देखने का, मजा आया? अच्छा ऐसा और किन्ना करा गया या मीरू जानता है या फिर अल्लाह? पहुंचने वाले हैं। शम्सु यस सर। आज किसी भी वक्त वो शख्स यहाँ आ सकता है, जरा होशियार रहना, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया हूँ सर, लेकिन भौके की रकम कब मिलेगी? तुम बहुत ही लालची आदमी हो, मैंने तुम्हें कहा है ना कि काम खत्म होने के बाद बाकी रकम मिल जाएगी, और हाँ ज्यादा शोर ना हो। कमाल कर रहे हैं आप, पागल आदमी को दफ्तर में दाखिल होने से रोकना है, शोर तो हो सकता है। शोर हो सकता है और होगा, इसमें बहुत फर्क है, समझे? अब तुम जा सकते हो। जाओ जी। ओके ओके ओके। बात करो। मैं जी अस्सलाम वालेकुम बाबड़ा। वालेकुम सलाम। नेक्स्ट बाऊ सिकंदर नहीं दसो, पिंड तो चौधरी साहब आए हैं। ओए करेले बहुत चौधरी अजमत। आओ कद्दूआ जया चौधरी अजमत। अबे कौन से पिंड से? मैं पूरा पता बताऊं जी। बताओ। जिला दीना डाकाना खास रसूल नगर गांव बोछाल मुंशी करमदीर को मिले जी। ओ मुंशी जी, ओ पेंचरों वाला तो रह गया। ओ दुकान छोड़ गए ना यार। है जी। हाँ यार, चलो ना ऐसा ही होता है। अब आपकी तसल्ली हुई जी? नहीं हुई तसल्ली। ओए तू मैनू नहीं जानता, मैं कौन आता किदे नाल? हाँ तुम जो कोई भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते। इधर इधर ना। क्यों नहीं जा सकते भाई? मैंने कहा ना ऑर्डर नहीं है। ओ यार अंदर कोई जनान खाना या ब्यूटी पार्लर है क्या? मैंने कहा ना आपको कि आप अंदर नहीं जा सकते, ऑर्डर नहीं है। ओ यार अंदर भी तो इंसान ही जाते हैं यार, अंदर तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना ले जाए। ऐसा करो हम अंदर नहीं जाते, तो वो बाउस के अंदर है ना उसको बाहर भिजवा दो। अनिल जी हमने 10 बंदों से दफ्तर का पता पूछा, सारों ने कहा कि बाउस के अंदर के दफ्तर का यही पता है पावडे। वो होगा लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम अंदर नहीं जा सकते। देख मैं बहुत थका हुआ हूँ लेकिन फिर भी मेरे गजब से बच। ओ मेरे खून खराब हो चुका। इधर इधर क्यों नहीं जा सकते? आपकी अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी क्या हो रहा है भाई? मेरे जितया बाहर रह गया। मीरू को गोली मार हुक्का तो आ गया ना, आज आ गया। और सिकंदर का आया चिटिया चौधरी साहब, आप इनको डांटे जी? यार दो तीन दफा पहले मुलाकात हो चुकी है, सिकंदर की शादी की मुलाकात नहीं हुई थी? हाँ जी हाँ। चाचा आए घर से। वो घर को छोड़ो, मुझे ये बताओ सिकंदर कहाँ है? वो चाचा दौरे पे गया है शहर से बहुत दूर, आ जाएगा फिक्र नहीं, आज घर चल के बात करते हैं। नहीं घर करके रही यार, और ऊपर से चौकीदार ऐसा रखा हुआ यार, खौफनाक किस्म का, उसने सारा मुझे उधेड़ के रख दिया। ये देखो ये तुला बकरा, ये पाग, ये बकरा, उसे बिछाना ही है यार। फिक्र ना करें, मैं आप घर चले। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, पहले मुझे
चाय का कप लाओ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, यार कुर्सी भी नहीं है तेरे दफ्तर में यार। चौधरी साहब कुर्सी तो है भी, पर उस पर काकी बैठी हुई है। दूसरी कुर्सी उठा के बाहर रख देता, काकी बैठी हुई है। घर चल के बात करते हैं, आराम से चाय लस्सी सब पिएंगे। चल कहीं गायब हुआ ना चाचा? नहीं कहीं गायब, वो आ रहे, आ रहे बाप। अभी घर चल के बात करते। पुत्र अबरार, हमारे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ का दी जी, बस इसको अपने ही कार समझो। बस दो चार दिन की बात और है, सिकंदर दौरे से वापस आ जाए, उससे मुलाकात हो जाए। हमारा तो वैसे भी शहर में जी नहीं लगता, वो यहाँ की आबो हवाई हमें रास नहीं, वो फोड़े की तरह दुखा है। पिंड भी तो हूं काफी पुराना है ना। ओ चौधरी जी, आपने इसको सिर पे बहुत चढ़ा रखा है जी। और पुत्र अबरार, नौकरी कैसी चल रही है? आप क्या ख्याल है, अगर ऐसा ही घर सिकंदर को किराए पर मिल जाए तो दोनों मियां बीवी का गुजारा हो जाएगा? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो जाए। लो जी चौधरी साहब, ये जी गांव से शहर तक का पूरा हिसाब, इसमें ₹5.50 की खैरात भी शामिल है जी। ₹5.50 की खैरात? पुत्र अबरार, हाल बात ठीक सा नहीं लगता। बात है चौधरी जी, क्या बात है, बड़े के हो जी, बहुत ही अच्छी बात है जी। बड़े के हो पर बीमार के ना हो। नाल ही बड़े हस्पताल का भी दस दो। अब होगा क्या यार, मैं जो कर सकता था ना मैंने कर दिया, तो बकवास करने की जरूरत क्या थी कि मैं दौरे पे गया हूं और जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो क्या करता, वो तेरे ससुर जो है ना वो दफ्तर पहुंच गए थे और तेरी पहली शादी का जिक्र करते करते रह गए। अबरार अबरार अबरार, आहिस्ता बोल यार, तू चाहता क्या है? यार मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरी जान छुड़ा दे अपने रिश्तेदारों से प्लीज। रिश्तेदारों से? कितने आदमी है वो? 3 आदमी है 3। तो दित्ता और मुंशी भी साथ हैं? जनाब दित्ता और मुंशी भी साथ आए हैं। वो एक तो तेरे ससुर साहब हैं, उन्होंने मेरे बेड पे कब्जा किया है। वो मुंशी और दित्ता मेरे सोफे पे सोते हैं और मेरे लिए कारपेट बच जाता है रात को बस सोने के लिए। अबरार अबरार, मेरा कितना अच्छा भाई है। इधर मेरी तरफ देख, चंद दिन के लिए तुम मेरे लिए तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? यार कितने दिन बर्दाश्त करूं, तू उनसे मिल, बस टाल उन्हें टाल। वो कैसे टाल दूं, वो लोग अब भी जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में रहता हूँ। मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे वहां रुकना पड़ेगा, तो वो फराना मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं इतनी रातें कहां गुजारता हूँ। बात करता है यार, कहता तू सही रहे। उधर वो सायरा जो है ना, वो भी रोटियां पका कर आधी रह गई है बिल्कुल। तो तू ये सारी बकवास सायरा की वजह से कर रहा है? हाँ हाँ, सायरा की वजह से भी कर रहा हूँ, बस तू कुछ कर। अगर तुमने मुझे इसी तरह तंग किया ना तो मैं उनको साफ साफ बता दूंगा, और उसके बाद जो तबाही आएगी उसकी जिम्मेदारी तुम पे होगी। तबाही आएगी? हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तरीन साहब मुझे धोखेबाज समझेंगे, वो लोग मेरी बहन को घर बिठा देंगे और मेरी रहन रखी हुई जमीन सारी जिंदगी मैं छुड़वा नहीं सकूंगा, समझे? मैं वो बन जाऊंगा, वो क्या कहते हैं, वो धोबी का वो। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ सिकंदर, तू ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे। बस कुछ कर यार, मेरी जान छुड़ा दे इस जन्म से प्लीज। मेरी जान, मुझे सोचने का ना थोड़ा वक्त दो। और वैसे भी ना वो गंदम की बुआई का सीजन आने वाला है, वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। हाँ दित्य पुत्र। जी चौधरी जी। हाँ जी हाँ जी। और पुत्र, 15-16 दिन हो गए हमको इस्लामाबाद आए हुए, वो सिकंदर का दौरा ही बहुत लंबा हो गया है। चौधरी जी मैं तो कहता हूँ जी, अब चलने की तैयारी करें जी, गांव में बड़े काम है करने वाले। और मुंशी सिकंदर से मिलना बहुत जरूरी है, हम यहाँ कोई सैर सपाटा करने के लिए नहीं आए। चौधरी जी कम्मा का था बहाना,
इसको अपनी बुढ़ी याद आ रही है। हाँ याद आ रही है बुढ़ी, ओ बुढ़ी है तो याद आ रही है ना। ओ मैं तेरी तरह नहीं हूँ, ना आगे का पता ना पीछे का। हाँ तू मेहरबानी कर दे, अपना भी काम हो जू। अब बंद करो ये हर वक्त की बकबक। पहले मैं बहुत परेशान हूँ, पुत्र बरार सिकंदर का कुछ पता चला? मेरी फोन कॉल हुई थी, 10-12 दिन का काम और निकल आया उसका। तो तुमने बताया नहीं उसे कि हम लोग आए हुए हैं? मैंने उसे बताया था कि आप लोग आए हैं। तो फिर क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे तो जमीन का कोई झगड़ा मगड़ा नहीं है, पैसे वैसे हमने पूरे दे दिए हुए हैं। तुम सुबह निकल जाओ। यस सर। वैसे 15-20 दिन लगेंगे, ज्यादा काम नहीं है। वो जमीन टुकड़ों में है ना, तुम समझते हो ना, तुम तो देहाती आदमी हो। 10 बज गए, गो टू बेड, जल्दी सो जाए करो, सुबह जल्दी उठा करो। गुड नाइट। चलो ओके सर, गुड नाइट। सुनो। यस सर। ये 10-20 रुपए अपने बालों पे भी लगवाओ, कटवाओ इनको जालिम। ओके सर, बाय, गुड नाइट सर। इब्राद, ये तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान कब तक रहेंगे? मुझे क्या पता। अम्मा से कहती हूँ तो वो कहती है मेहमान हैं बेचारे, मेरी तो काम कर करके कमर दोहरी हो गई है। सायरा, सायरा मैं खुद बहुत परेशान हूँ, फर्श पे सोचो कि ना मेरी कमर तख्ता हो गई है। तो सिकंदर भाई उनसे मिल क्यों नहीं लेते? बहुत मसले। इब्राहिम मैं तो कहती हूँ सिकंदर भाई को चाहिए दोनों तरफ सच्ची बात बता करना, अपनी जान छुड़ा लें। एक दो तीन चार, अच्छी बात है सिकंदर साहब, आपने मेरी तनख्वाह कटवा दी। ये 170 रुपए आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। देखिए जी बाजी, एक्चुअली मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर आप थोड़ा सा पुश कर दें प्लीज तो। क्या कर दूं जी? हाँ वो मेरा मतलब है अगर आप धक्का लगा दें तो, इनफैक्ट वो। अच्छा आता गड्डी आ, कोई बात ही नहीं है जी। मैं तो अपने पिंड में बाला ना ट्रैक्टर खींचता रहा हाँ। जी आप अपने बालों से ट्रैक्टर? हाँ जी बस चंगे वक्तों की बात है, आपकी तरह बाल होते थे, वो तो हालात ने ऐसा कर दिया जी बस। और जेड़ा रसूलों का अब्बा है ना। रसूलों? हाँ जी, मेरे होने वाली बेवा, मेरा मतलब है मेरे होने वाली घरवाली। अच्छा वो अगर आप धक्का लगा दीजिए तो। हाँ हाँ जरूर बैठे हैं। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जी, पर ट्रैक्टर तो जी इस तो हौला हुंदा जी। वो कुछ पेश करूं मैं आपको?
कितनी बड़ी मेहरबानी, मौजा करो। थैंक यू, लेकिन कभी कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जरूरत हो किसी चीज की, प्लीज ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, कार्ड मेरा। जरूरत है और जरूरत होनी भी हैगी, पर नहीं जी नहीं, तुसी जाओ। एनीवे थैंक यू, आपको कहीं ड्रॉप करना, मेरा मतलब आपको कहीं पहुंचाना हो। नहीं जी नहीं, अपनी जाती गड्डी आ रही है, वो अपना मीरू लेके आ रहा, मैं तो कर रहा क्या कहते हैं शहर वहां, क्या कहते हैं, हाँ बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, ओ मुंशी ना, तूने दित्ते को अकेला जाने क्यों दिया है? वो अकेला नहीं है जी, मेरू है उसके साथ, वो शहर का वाकिफ है। और चले गए होंगे दरिया पर नहाने, और दित्ता तो अब तक मछलियों को हजम भी हो चुका होगा। ओ मिट्टी डाले जी, खस कम जहाँ पाक। अरे ना आए मुंशी, इतना बेदर्दी से ना बोल, पढ़े लिखे लोग मुझको इसलिए अच्छे नहीं लगते, बड़े जालिम होते हैं, रहम नहीं होता उनमें। गुस्ताखी माफ जी, इसमें कौन सी रमज है? रमज है तेरी समझ में नहीं आएगी। मसलन आज दुनिया में जो भी जुल्म हो रहा है ना, ये सब तालीम याफ्ता लोगों की वजह से हो रहा है। ये बंदूक किसने बनाई, बम किसने बनाए, और तो और मुल्क के दो टोटे किसने किए, ये सब 14-16 जमाते पास थे, ठीक है नहीं? हाँ जी हाँ हाँ। पुत्र अबरार, हमारे साथ लगता है आज वारदात हुए है यार। वारदात हो गई है? हमारे बंदे दो गायब हैं, कोई पता ही नहीं सुबह से, कहीं घूमने चले गए होंगे। कहीं गए होते तो अब तक आ ना जाते जी, मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। क्या मामला लगता है? यही तो समझ नहीं आ रही जी, कहीं वो दरिया बुर्द ना हो गए हो। मुंशी कभी तो अच्छी बात कर लिया करें आप ना। वो दोनों जा कहां सकते हैं? विरार पुत्र, दित्ता तो हो गया जाया, बरीक होने के बावजूद था जवान। बस जी, बराए नाम ही जवान था। ओए, मरे हुए लोगों की तारीफ करने का हुक्म है? आखिर मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों ने उन्हें मरहूम क्यों समझ लिया। विरार पुत्र, मेरा दिल कहता है कि वो गया मछलियों के पेट में, हाँ कोई उसकी हड्डी मछली के हलक में फंस गई तो शायद कोई मौजदा हो जाए। अल्लाह ना करे जी, तू कुछ बता रहा यार अबरार पुत्र। मुझे कभी मछली ने नहीं खाया, मुझे नहीं पता। सलाम चौधरी जी। ओए, तुम कहाँ दफा हो गए थे? फिल्म देख के आ रहे हैं। कौन सी फिल्म? द फिल्म नेम इज खड़ाते हूँ होंगे, किसी ने जेब कट ली, पैदल वापस आ रहे हैं। ना तो तेरी जेब में भी टका नहीं था कि किसी चीज पे बैठ के आ जाते। चौधरी जी, एक चंगा पला चांस लगा था, एक जनानी हमें पैसे दे रही थी, इसे सुल्तान राय ने मना कर दिया। क्या है? उसकी कार नु धक्का लाया, जे हम पैसे ले लेंदे तो लानत ना होती हमारे पर। वो तो वैसे भी है। हाँ। दत्ता जी उन्हें बहुत बड़े घर की लगती थी। अबरार पुत्र देख लें। ओह माय गॉड।